नमस्कार दोस्तों, 107.2 मेगाहर्ट्ज ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ एफएम पर आप हैं मेरे साथ, जी हाँ पल्लवी चसल के साथ, और सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो लिव लाइफ मोर। और ये प्रोग्राम दोस्तों केवल एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये है एक जीवन शैली जो जोड़ सकती है आपकी जिंदगी में कई और वर्ष और भर सकती है जिंदगी उन कई वर्षों में। दोस्तों हम सब बहुत जोर शोर से पूरे मन से अपने घर की सफाई करते हैं, क्योंकि एक डर हमें ये भी रहता है कि अगर घर में बहुत ज़्यादा कूड़ा या अनयूज चीज़ें पड़ी रहेंगी तो हमारे घर में गंदगी फैल जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा ही हाल हमारे शरीर का भी है, और हमारे गुर्दे यानी कि किडनीज ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर करती हैं। लेकिन जरा सोचिए, ये इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जो आपके शरीर को साफ रखता है, लेकिन अगर किडनीज की कार्य प्रणाली में कोई त्रुटि आ जाए तो क्या होगा? हमारे शरीर में टॉक्सिन्स भर सकते हैं, और केवल ये ही नहीं पर बहुत सा नुकसान हमारे शरीर को हो सकता है, क्योंकि हमारी किडनीज हमारी बॉडी का वाइटल ऑर्गन है। तो दोस्तों आज का ये प्रोग्राम हम समर्पित करने जा रहे हैं हमारे ऐसे ऑर्गन्स को जो हमारे शरीर में से टॉक्सिन्स को बाहर करती हैं और हमें स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। सो हमने एक बार फिर से अपने शो में आमंत्रित किया है हमारे क्षेत्र के वेल नोन नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर अमित शर्मा को। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत अभिनंदन है आपका आज के लिव लाइफ मोर शो में। धन्यवाद पल्लवी। डॉक्टर साहब आप एक किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हैं। हम लोग जब किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सोचते हैं या जिक्र होता है तो हमारे जहन में एक पिक्चर बनती है कि एक व्यक्ति में से स्वस्थ गुर्दा निकालकर एक बीमार व्यक्ति जिसकी किडनी बीमार हो गई है उसमें डाल दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब आप प्लीज़ सबसे पहले हमें ये बताएं कि किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम दरअसल होता क्या है। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है पल्लवी, क्योंकि सबके मन में यही बात होती है कि यदि मैं किडनी डोनेट करने जा रहा हूँ तो क्या होगा इस पूरे प्रोसेस में। इस प्रोसेस में यूजुअली ये होता है कि जो डोनर होते हैं हम उनमें से एक किडनी निकाल के किडनी फेलियर से ग्रसित जो पेशेंट होता है जिसको किडनी की आवश्यकता होती है उसमें उस किडनी को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इस प्रकार जो डोनर होता है उसके पास एक किडनी रह जाती है, और जो रिसिपिएंट होता है उसके पास दो अपनी किडनीज होती हैं और एक और किडनी जो नई किडनी होती है वो उसमें ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। चौक साहब किडनी ट्रांसप्लांट की अमूमन ज़रूरत तभी पड़ती है जब कोई और विकल्प नहीं रह जाता और बहुत ज़रूरी हो जाता है एक पेशेंट की जान बचाने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं मेडिकली जिनमें कि व्यक्ति को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है? किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत उन पेशेंट्स को पड़ती है जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ यानी कि एंड स्टेज रिनल डिजीज़ से ग्रसित हों, जिसका मतलब यह है कि उनकी किडनीज जो हैं वो काफ़ी कम काम कर रही हैं और उन्हें डायलिसिस की रेगुलरली ज़रूरत हो। इस स्थिति में किडनी ट्रांसप्लांट ही बेस्ट विकल्प होता है, क्योंकि गुर्दों का काम जो है वो गुर्दे ही कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपने हमें बताया कि कैसी कंडीशंस हैं जिसमें कि किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन डॉक्टर साहब ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, और आप बहुत सालों से इस ऐसे प्रोग्राम्स के साथ एसोसिएटेड है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एक किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन होने के नाते। तो डॉक्टर साहब प्लीज़ आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि खुदा ना खास्ता अगर किसी को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है तो किस तरह का सेटअप, किस तरह का बैकअप होना चाहिए एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट की जा सकती है? देखिए पल्लवी, किडनी ट्रांसप्लांट अपने आप में एक सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं है, क्योंकि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनको कई तरह की और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई और अदर पेट की प्रॉब्लम हो गई, नसों की प्रॉब्लम हो गई। सो जब हम कभी ये सोचते हैं कि हमने किसी पेशेंट्स का किडनी ट्रांसप्लांट करना है तो उससे पहले पेशेंट का पूरा इवेल्युएशन होता है, और ये सब चीज़ें
बेस्ट रहता है कि किसी ऐसे जगह पर हों जहां पर मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच चलती हो, दैट मींस कार्डियोलॉजी हो, वहां पर क्रिटिकल केयर हो, इस तरह के डिफरेंट जो हैं स्पेशलिटीज़ उस हॉस्पिटल में हो। किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के लिए जो हमें सबसे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती हैं वो होती है, नंबर वन एक नेफ्रोलॉजिस्ट, जिसे कि हम ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, और नंबर टू किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, क्योंकि इन दोनों के बगैर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट का काम होता है कि जब कोई पेशेंट किसी को किडनी डिजीज होती है और उसे ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है, तो ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट जो है उस पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं सर्जरी के लिए, जिसमें ट्रांसप्लांट से पहले की टेस्टिंग होती है, किडनी डोनर है वो फिट है कि नहीं है उसकी टेस्टिंग होती है। ट्रांसप्लांट सर्जन का काम होता है ट्रांसप्लांट सर्जरी करना, और ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट का रोल ट्रांसप्लांट के बाद फिर से आ जाता है, क्योंकि जब भी हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके साथ कुछ दवाइयां होती हैं जिन्हें हम कहते हैं इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस, जो कि पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग खानी होती है, और वो मेडिकेशंस कितनी देनी है, कब कम करनी है, कब ज़्यादा करनी है, ये सब चीज़ें एक ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट या किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन ही करता है। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट का कितना बड़ा रोल होता है किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन के साथ एक सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, जब ट्रांसप्लांट की बात आती है तो दो जिंदगियां आमतौर पर इन्वॉल्व होती हैं। हाँ, उन जिंदगियों की बात हम नहीं कर रहे जिनका संबंध, जिनकी जिंदगी उन दो जिंदगियों से जुड़ी है, एक है डोनर और एक है रिसिपिएंट। रिसिपिएंट तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि एक व्यक्ति बीमार है जिसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, लेकिन डॉक्टर साहब जो डोनर है वो एक स्वस्थ इंसान है। तो डॉक्टर साहब, क्या किडनी डोनेट करना सेफ है उस व्यक्ति के लिए? क्योंकि आमतौर पर मन में ये आशंका आ सकती है कि अगर अपनी किडनी दान दे दी तो उसकी बॉडी फंक्शंस का क्या होगा, और कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो मरीज को गुर्दा दान दे सकते हैं? ये बहुत ही कॉमन धारणा है कि यदि मैंने अपनी किडनी डोनेट की तो मेरे शरीर में किसी तरह की कोई कमी आ जाएगी। साइंटिफिकली ये प्रूव किया जा चुका है कि किडनी डोनेट करने से डोनर को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है। जब भी हम किसी व्यक्ति को किडनी डोनेशन के लिए तैयार करते हैं तो हम डोनेशन से पहले अ नंबर ऑफ टेस्ट कंडक्ट करते हैं पेशेंट के ऊपर, और यदि उन टेस्ट में से किसी में भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम किडनी डोनर को रिजेक्ट कर देते हैं। सो दैट वे हम शुरुआत में ही अगर किसी व्यक्ति की किडनीज में कोई खराबी है या शरीर में कोई और खराबी है तो हम डोनेशन को रोक देते हैं। सो जब कोई व्यक्ति किडनी डोनेट करता है तो वी वॉन्ट टू बी वेरी श्योर कि वो पूरी तरह से फिट है उस चीज़ के लिए, और किडनी डोनेट करने के बाद भी वो पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। तो डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने हमें बताई है, और जो लोग किडनी डोनेशन के बारे में सोच रहे हैं उनकी सोच और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो गई होगी आपके द्वारा बताई गई बातें सुनने के बाद। तो डॉक्टर साहब, किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसेस कैसा है, कितनी देर लगती है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, और क्या आप करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट में, ये आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। जब भी हमारे पास दो पेशेंट्स, एक पेशेंट और डोनर आते हैं, सो हम उनके कुछ इनिशियल टेस्ट करते हैं फॉलोड बाय अ नंबर ऑफ टेस्ट। इन टेस्ट में यूजुअली 3 से 5 दिन लगते हैं, जिनके बाद एक फाइल रेडी की जाती है और देयर आर सम लीगल फॉर्मेलिटीज जिसको पूरा करने में अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 दिन या 15 दिन लग सकते हैं। सो इफ आई से कि कोई पेशेंट मेरे पास आ जाता है जिसको ट्रांसप्लांट करवाना है, जिसके पास डोनर है, तो अराउंड 3 वीक्स के अंदर हम उनका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। यूजुअली किडनी ट्रांसप्लांट से 1 या 2 दिन पहले हम रेसिपिएंट को दाखिल करते हैं और उन्हें इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ शुरू करते हैं, और किडनी ट्रांसप्लांट के अप्रॉक्सीमेटली 1 हफ्ते बाद तक हम उन्हें हॉस्पिटल में रखते हैं। ट्रांसप्लांट होने के बाद शुरुआत के 2 से 3 महीने हम पेशेंट को हफ्ते में 2 बार हॉस्पिटल में बुलाते हैं और उनके टेस्ट करते हैं, जिसमें यूजुअली क्रिएटिनिन और यूरिन हम देखते हैं, और जो दवाइयाँ हम देते हैं उनके लेवल चेक करते हैं ताकि उनका लेवल शरीर में सही मात्रा में रहे और पेशेंट की जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है वो स्वस्थ रहे। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट होता है उसे ये नहीं समझना चाहिए कि अब ये प्रोसेस खत्म हो गया, बिकॉज किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाते रहें ताकि उनकी किडनी जो है वो सही ढंग से काम करती रहे।
अमूमन ये देखा गया है कि शुरुआत में पेशेंट्स 2 से 3 महीना तक रेगुलर रहते हैं और उसके बाद दे थिंक कि अब हमारी किडनी अच्छा काम कर रही है और वो थोड़ा सा अपनी दवाइयों को ऊपर नीचे करना शुरू कर देते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसा उनके नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं उन दवाइयों को उसी ढंग से और उसी मात्रा में लें ताकि उनकी जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है वो स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर अमित शर्मा ने कहा कि केवल किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के 2-3 महीने तक ही आपको परहेज नहीं रखना, अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना, पर ये एक लंबा प्रोसेस है जिसमें कि आपको अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना बेहद ज़रूरी है ताकि आपकी ट्रांसप्लांटेड किडनी हमेशा सही रहे, अपना काम भली भांति करती रहे। डॉक्टर साहब, आपने हमें किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, लेकिन अब चलते चलते आपसे मेरी गुजारिश है कि आप हमारे श्रोताओं को कोई ऐसा संदेश दें जिससे कि किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत ही ना आए और अपनी किडनीज को हमेशा तंदुरुस्त किडनीज बनाए रखें। धन्यवाद पल्लवी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। किडनी के बारे में एक चीज़ जो मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि बचाव में ही बचाव है। यदि हम किडनीज़ को पहले से ही बचा कर रखें, जैसे किसी को डायबिटीज़ होता है या ब्लड प्रेशर होता है, उसे हम शुरुआत में हल्के में ना लें और उसका कंट्रोल रखें, तो हम अपनी किडनीज़ को ख़राब होने से बचा सकते हैं। उसी तरीके से अत्यधिक पेन किलर्स का सेवन ना करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग से परहेज़ करें और अपना वज़न घटाएं। अगर हम इन कुछ चीज़ों को मानेंगे तो फिर हम अपनी किडनीज़ को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन इम्पोर्टेंट टिप्स के लिए और सारी जानकारी देने के लिए जो अवश्य ही जोड़ सकती है हम सब की जिंदगियों में कई और वर्ष और भर सकती है जिंदगी उन कई वर्षों में। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे, मुस्कान लाए, दुनिया बेहतर बनाए। तो दोस्तों, आज के हमारे विशेष अतिथि सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर अमित शर्मा ने हमें किडनी ट्रांसप्लांट के वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में जानकारी दी। तो इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपको अलविदा कहने का, इस वादे के साथ कि हम आपसे फिर मिलेंगे अगले गुरुवार सुबह 10:05 पर। आज के विषय पर अधिक जानकारी के लिए आप हमें जरूर कॉल करें। हमारा नंबर है 9501810904। जी हाँ, 9501810904। इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनने के लिए लॉगिन कीजिए livelifemore.com या facebook.com/livelifemoreofficial पर। सो फ्रेंड्स, टिल वी मीट अगेन, टेक केयर एंड लिव लाइफ मोर। दिस प्रोग्राम इज कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाय डॉक्टर संदीप जस्सल। हर दर्द को मिटाए।